हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज, सच बताऊँ तो इस वीडियो को मैं काफ़ी टाइम से बनाने के लिए कोशिश कर रहा था और आज फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेज के बारे में। और मैंने कोशिश ये की है कि आपको उन फ्रेजेज के बारे में बताऊँ जो ब्यूटिफुल तो है ही हैं और साथ साथ में आप इनको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर पाएँ। और मैं आपको जो भी फ्रेज संस्कृत में बताऊंगा उसका मीनिंग हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो चलिए गाइज, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ संस्कृत लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। मेरी पर्सनली फेवरेट लैंग्वेज है संस्कृत। और ये जो है गाइज, संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत। और ये नियरली 5000 ईयर्स पुरानी है, 5000 ईयर्स ओल्ड। और गाइज यही नहीं, संस्कृत की जो ग्रामर है बहुत ही ब्यूटीफुली क्लियर है, मतलब हार्ड एंड फास्ट और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं संस्कृत के अंदर। अनलाइक कि इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है, वहाँ पर ग्रामर के रूल्स जो हैं हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई जगह कुछ लग जाता है, कई जगह कुछ लग जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं देखा जाता। संस्कृत की जो ग्रामर है बहुत ही, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, हार्ड एंड फास्ट रूल है। और तीसरी जो है जो संस्कृत को इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज बनाती है, ये बात नासा ने खुद एडमिट की है कि संस्कृत जो है, इवन जो नासा है वो संस्कृत लैंग्वेज प्रेफर करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग के अंदर और साथ साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ही वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इसी को वो मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज मानते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। तो संस्कृत बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है और आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहला जो फ्रेज रहेगा वो है विहग इव मुक्त है। इसका मीनिंग होता है फ्री एज अ बर्ड, फ्री एज अ बर्ड। बड़ा ही सुंदर फ्रेज है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, विहग इव मुक्त है, यानी कि ऐसा प्राणी या ऐसे चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है ये, जो कि एक पक्षी की तरह आज़ाद हो। और नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव ऑन करते हैं गाइज। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज रहेगा, बड़ा ही सुंदर फ्रेज है और वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेज है संस्कृत के अंदर, ये वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द होल अर्थ इज़ अ फैमिली, द होल अर्थ इज अ फैमिली, यानी कि पूरा संसार जो है वो एक बड़ी फैमिली है। अभी जो है आप जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं कंट्री टू कंट्री, क्योंकि बॉर्डर्स बना दिए गए हैं और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो संस्कृत के अंदर इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कोट है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे अर्थ को एक फैमिली माना गया है। कोई अलग कंट्री नहीं है, कोई अलग स्टेट नहीं है, पूरी जो अर्थ है वो एक क्या है, फैमिली है, इज अ फैमिली। बड़ी ही सुंदर फ्रेज है ये। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट फ्रेज है गाइज, ये है यत भावो तत भक्ति। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए बड़ा ही सुंदर मीनिंग है इस फ्रेज का भी, यू बिकम व्हाट यू बिलीव, आप जिस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। तो बड़ा ही सुंदर फ्रेज है आपकी डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए, यत भावो तत भवति, यानी कि जैसा आप यकीन करेंगे जिस चीज के ऊपर आप वैसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव ऑन करते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट फ्रेज रहेगा काल है सर्वम व्रियोपति, यानी कि टाइम हील्स एवरीथिंग। बोला जाता है ना कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, तो इसका यही मीनिंग है कि जो समय जो है वो हर जख्म को भर देता है। काल है सर्वम व्रियोपति, टाइम हील्स एवरीथिंग। बड़ी ही सुंदर फ्रेज है, आप इसको भी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ नेक्स्ट फ्रेज भी हम देखेंगे। हमारी जो नेक्स्ट फ्रेज है गाइज, ये है अहमअस्मि युद्ध है। अहमअस्मि का मीनिंग होता है सेल्फ और युद्ध है मतलब फाइटर, तो इसका मीनिंग होगा आई एम अ फाइटर, यानी कि मैं एक योद्धा हूं। अब जो फाइटर जो वर्ड है खाली उसी के लिए हम यूज नहीं करते हैं जो युद्ध यानी कि तलवार या गन्स वगैरह से लड़ते हैं। आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी फाइट्स लड़ते होंगे, स्ट्रगल्स करते होंगे,
तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम कह सकते हैं अहम अस्मी योद्ध है, तो यानी कि यू आर अ फाइटर। चलिए गाइज, इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में जो फ्रेज है ये है न कंचित शाश्वतम, इसका मीनिंग होता है नथिंग इज परमानेंट। देखिए कितनी सुंदर फ्रेज है, नथिंग इज परमानेंट, यानी कि कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, हर चीज जो है वो समय के साथ खत्म हो जाती है। और इसी के लिए संस्कृत में क्या फ्रेज है, न कंचित है शाश्वतम। और इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम नेक्स्ट फ्रेज भी देखेंगे। और हमारी नेक्स्ट फ्रेज आती है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक वर्ड आप कह लीजिए इसको, ये है किम कर्तव्यवि मूढ़, किम कर्तव्यवि मूढ़ है, इसका मतलब होता है डायलेमा। मैं आपको बताता हूँ डायलेमा क्या होता है, डायलेमा कह लीजिए या फिक्स कह लीजिए। कई बार ये सिचुएशन लाइफ में ऐसी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए, दो ऑप्शन होते हैं आप चुन नहीं पाते हैं, या कोई भी और ऐसी सिचुएशन जहाँ से आपको निकलने का रास्ता समझ में ना आए, जहाँ पर आपको ये हो जाए कि आप फंस गए हो और आपको पता नहीं है कि अब आगे क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायलेमा, या फिर बोलते हैं कि आई एम इन अ फिक्स, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ जहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन सा रास्ता लिया जाए, या कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। तो इस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए संस्कृत में जो वर्ड है वो है किम कर्तव्यवि मूढ़, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायलेमा। इसी के साथ ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग हमने समझा, और अब नेक्स्ट फ्रेज की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और हमारी जो नेक्स्ट है वो है सारज्ञ भव, सारज्ञ है भव, इसका होता है बी रियलिस्टिक, यानी कि आप जो है आप वही रहिए, आप जो है अपने आप को फेक मत करिए, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स की है तो आप स्पोर्ट्स करिए, ज़बरदस्ती पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ अपना जो रुचि है उसको ज़्यादा मत करिए, बिकॉज बी रियलिस्टिक। और इसी को जो है हम संस्कृत में बोलते हैं सारज्ञ है भव, सारज्ञ है भव, बी रियलिस्टिक, जो आप हैं आप वैसे ही रहिए, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे। और हमारी नेक्स्ट फ्रेज है अहम ब्रह्मास्मि, ये आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी, जिसने सेक्रेड गेम्स देखा है उसने तो जरूरी बात है ये सुनी ही होगी। और इसको जिसको मीनिंग पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूँ, इसका मीनिंग होता है आई एम सुप्रीम, कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, ब्रह्मा जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और इसमें ये बोला गया है अहम मतलब मैं, और ब्रह्मास्मि यानी कि ब्रह्मा हूँ, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, मीन्स आई एम सुप्रीम, आई एम द मोस्ट पावरफुल। तो बड़ी ही अच्छी फ्रेज थी ये भी। और इसी के साथ नेक्स्ट फ्रेज पे मूव ऑन करते हैं, और ये हमारा लास्ट वर्ड होगा, और ये है परिवर्तको भव, बी द चेंज, बी द चेंज, यानी कि हम अक्सर कोसते रहते हैं कि सोसाइटी में ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, लेकिन उसके रिगार्डिंग करते नहीं हैं कुछ भी। तो इसी के लिए संस्कृत में एक बड़ी ही सुंदर फ्रेज है जिसको बोला जाता है परिवर्तको भव, जो चेंज आप सोसाइटी में देखना चाहते हैं वो आप खुद बन जाइए, बी द चेंज यूर सेल्फ। तो बड़ी ही सुंदर फ्रेज थी। तो इसी के साथ गाइज हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है, 10 फ्रेज हमने देखी संस्कृत लैंग्वेज की। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो गाइज तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भले ही वीडियो को लाइक मत कीजिएगा लेकिन मुझसे कम्युनिकेट करिए, बिकॉज अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। इसके बाद उर्दू लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स के बारे में भी हम बात करेंगे, हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।